पानीपत के सेक्टर 11-12 स्थित एसडी विद्यालय मंदिर में बीजेपी पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया। आपको बता दें कि बीजेपी को 40 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में स्थापना दिवस पर एक समारोह का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को 40 साल होने पर इस समारोह को आयोजित किया गया है, जहां पर अचानक से कुछ किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये किसान कांग्रेस के लोग हैं जो कृषि कानून को लेकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसी के आयोजन में आज हम सब लोग सहभागी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 41 साल पहले स्थापित हुई, आज 41 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जो है अपने स्थापना दिवस को मना रही है। अपने कार्यकर्ताओं की जो मूल प्रेरणा है भारत भक्ति, उसको उनमें जगा रही है। सर, भारी किसानों के विरोध के बाद भी आप कार्यक्रम के पीछे? किसानों का कोई विरोध नहीं है, केवल कुछ कांग्रेसी हैं। सब जगह वही आते हैं, कांग्रेस में अपने दम पर विरोध करने का सामर्थ्य बचा नहीं है। कांग्रेसियों में दम है तो अपने झंडे लेके आए, अपने नेताओं के साथ। सर, पानी बीजेपी उनको डोरी है? मेरी पार्टी तो वो पार्टी है जिसके नेता दीनदयाल उपाध्याय हैं और जिनका चित्र मंच पर है। वो एक ही चुनाव लड़े थे और वही हार गए थे, फिर भी हमारे वो सर्वमान्य नेता हैं शुरू से आखिर तक। यहाँ विजय और पराजय नहीं चलती, क्या हार में क्या जीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।